हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी टेक्नीशियन जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना मत भूलें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इनसे हो जाएगा कोच्ची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% आधार कार्ड लागू करने वाला भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों 100% आधार कार्ड लागू करने वाला भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि 100% आधार कार्ड लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 100% आधार कार्ड लागू करने वाला भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्षम योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? सक्षम योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। और सक्षम योजना जो है किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बेरोजगारी से। दोस्तों सक्षम योजना जो है बेरोजगारी से संबंधित है और यह किस राज्य में प्रारंभ किया गया, तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति सूची में भारत का रैंक कितना है? विश्व शांति सूची में भारत का रैंक कितना है, तो आंसर हो जाएगा 137। और प्रथम रैंक किसका है, तो प्रथम रैंक आइसलैंड का है। और अंतिम रैंक या अंतिम देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सीरिया। विश्व शांति सूची में रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है, तो 137वां है। और प्रथम देश आइसलैंड है और अंतिम देश सीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा निर्भया। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया था, तो परीक्षण किया गया था चांदीपुर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नोट पर कुल कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया है? वर्तमान में भारतीय नोट पे कुल कितने भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया? ब्लू फ्लैग वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया, तो आंसर हो जाएगा भारत और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो दोस्तों डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 100वां है और प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों इंडिया डे उत्सव जोहान्सबर्ग में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन, 69वें गणतंत्र दिवस 2018 का मुख्य अतिथि कौन थे? 69वें गणतंत्र दिवस 2018 का मुख्य अतिथि कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आसियान राष्ट्र अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन 2017 का आयोजन किया गया? भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन 2017 का आयोजन किया गया, तो आंसर हो जाएगा प्रगति मैदान दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2017 में कहाँ किया गया था, तो आंसर हो जाएगा बॉन जर्मनी। दोस्तों विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2017 में कहाँ किया गया था, तो बॉन जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2017 में किसे मिला? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2017 में किसे मिला, तो आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का प्रथम महिला महासचिव कौन है? भारतीय संसद का प्रथम महिला महासचिव कौन है, तो आंसर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव, और ये वर्तमान महासचिव भी है। पूछा जाए एग्जाम में कि भारतीय संसद का वर्तमान महासचिव कौन है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव, जो कि भारत की प्रथम महिला है जो कि इस पद को संभाली है।
तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।